के मुद्दे पर विरोध कर रही थी और काफी भारी तादाद में मौजूद थे। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे में आग लगा दी थी और उसी वक्त यह हादसा हुआ। फिर सारे कार्यकर्ताओं को आग पकड़ लिया, कुछ कार्यकर्ता आ गए और उनको गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बिल्कुल इस तरह से देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला कार्यकर्ता और जैसे ही लाइटर जलाया आग के फ्रंट में शायद पेट्रोल ज्यादा डाल दिया गया था। पुतले में लेकिन कई सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज तक बहुत सारे लोगों की भीड़ काफी थी और मैं कांग्रेस का आज जो है मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था और उसी प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह उनकी अगुवाई में ईसी को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे और वहां पर इनका कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला वहां पर इन लोगों को फूंकना था और उसी दौरान जो कार्यकर्ता ईसी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने लगे तो पैरों पेट्रोल जो आप देख रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। पेट्रोल को भी फूंकने पर फूंका गया तो साथ ही साथ ही पेट्रोल सिलेंडर भी वहां पर लोग खड़े हुए थे, उनके कपड़ों पर भी डल गया और जैसे ही लाइट को पूरे पार लगाई कार्यकर्ता आईजीएमआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।